हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि क्यों ना रूरल डेवलपमेंट पे कुछ वीडियोस बनाए जाएं। यूट्यूब पे रेयर एक ही दो या वीडियो पड़े हैं, जो भी पूरे नहीं पड़े हैं। तो लास्ट टाइम जब पढ़ा सेमेस्टर के लिए एकेटीयू के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो अब उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, और लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना मैं एक एक करके सारी स्कीम सब कुछ बता दूँ, जिससे कि बहुत ही कम टाइम पे आप नॉर्मल सुन के ही अपना काम कर सकें। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि स्टार्टेड किया गया है। ये सेकेंड यूनिट का पार्ट है, फिर भी मैं एज अ टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ, जो सुनो और करो। तो टॉपिक है नीलो खैरी एक्सपेरिमेंट। ये चालू किया गया इन 1948। ये मैंने कीवर्ड्स में के फॉर्म में डिवाइड कर रखा है, 1948 में चालू किया गया। हिस्ट्री से भी कनेक्ट करूँगा ताकि पूरी तरीके से दिमाग में घुस जाए। 1948 में चालू किया, किसने चालू किया? एसके डेल ने, ठीक है, एसके डेव ने चालू किया, जो कि यही आदमी, यही बंदा आगे चल के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट भी बन जाते हैं। तो इनका ये प्रोजेक्ट क्या था कि इन्हें न्यू टाउनशिप्स मींस नए नए जगह शहरों का विकास करना था, टाउनशिप का विकास करना था। अब क्या हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंट था वो प्रॉपर था किसके लिए? डिस्प्लेस्ड हुए पीपल्स के लिए। डिस्प्लेस क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ। अब हिस्ट्री से इसको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ प्ले करता है फ्रीडम मूवमेंट। 1948 का ही टाइम है, इससे जस्ट एक साल पहले 1947 में आवर कंट्री गॉट फ्रीडम, ठीक है, ये तो तुम्हें मालूम ही है। लेकिन दूसरा काम एक और हुआ, क्या? इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा। तो ये पार्टीशन के टाइम पे जो लोग डिस्प्लेस हुए, ठीक है, उधर गए, कुछ इधर आए, तो जो लोग इधर आए वो एज अ रिफ्यूजी रह रहे थे, तो उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि काइंड ऑफ कुछ टाउन्स डेवलप करनी चाहिए ताकि उन लोगों को वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बसाया जा सके। जो वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए थे, तो उन लोगों को बसाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया। और जो एक और इस जो प्रोग्राम की खास बात है कि उन्होंने बैरन लैंड का यूज़ किया, मीन्स जो अनुपजाऊ जगह थी, कहाँ की? दिल्ली और अम्बाला के हाईवे के किनारे किनारे, यार ऐसे ही इनके बीच में, इन बिटवीन, जो हम लोगों को अनबैरन, जो बैरन लैंड से अनुपजाऊ जमीन थी, उस पर इन लोगों ने टाउनशिप को बसाना चालू किया। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, फर्टाइल लैंड को बर्बाद नहीं किया गया इसमें। और उन डिस्प्लेस पीपल को जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे और एज अ रिफ्यूजी अपनी जिंदगी एक बुरी तरीके से, बुरी कंडीशन में जी रहे थे, उनके लिए प्रॉपर टाउनशिप बनाई गई। और अब एकेटीयू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी इस सेमेस्टर में पूछा गया, मैंने उसका आंसर लिखा कि मजदूर मंजिल, ये एक वर्ड यूज हुआ है इस नील खेरी एक्सपेरिमेंट में, मजदूर मंजिल। ये क्या था? तो ये बेसिकली एक नई स्कीम थी इसी प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें न्यू टाउन बसाई गई, उस टाउन का नाम है नीलो खेरी, ठीक है, उस टाउन का नाम है नीलो खेरी। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू टाउन चालू किया गया इस मजदूर मंजिल। तो ये वन एक जो 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाले, तो उसमें ये पूछा गया था, मजदूर मंजिल से आप क्या समझते हैं। तो ये था, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेनिंग में जो ये पूरा प्रोजेक्ट था, एक्सपेरिमेंट, काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट था, इसमें किया क्या गया, इसमें क्या क्या ट्रेनिंग दी गई जिससे कि ये सक्सेसफुल हो सके और कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाउन हो सके। तो ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से इन 3 चीज़ों पर दी गई, जो कि पहला था एग्रीकल्चर। एट दैट टाइम, एट द स्टार्टिंग, जब फ्रीडम हुई तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं था, लोग इसके खिलाफ भी थे। तो जो इवन आज भी एग्रीकल्चर एक प्राइम सोर्स है, एक प्राइमरली सोर्स है हमारे अर्निंग का, तो एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंटेशंस बताई गई, कैसे क्या करना है, कैसे लैंड मोर फर्टाइल हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हो सके। तो वही छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जो पुराने मेथड थे वो अलग थे, तो अब कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करना था ताकि प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। कॉटेज इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा फोकस किया, गांधी जी भी बन कॉटेज इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, तो जाहिर सी बात है इसमें तो उसका रिजल्ट आना ही था। और ट्रेनिंग और कारपेंट्री, कारपेंट्री में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि कॉलोनीज बसानी थी, हॉस्पिटल्स खोलने थे, स्कूल्स खोलने थे, तो उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता। तो जो स्किल्ड वर्कर था वो कहीं ना कहीं एक इन रिफ्यूजीज का जो पूरा सेंटर था, उनमें से कोई एक हो सकता था। तो ये एक बहुत अच्छा माइंडसेट और एक प्रॉपर प्लानिंग तरीके ये सब काम किए गए। इसके अलावा कैलिको प्रिंटिंग, ये क्लास 7th या 8th में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कैलिको प्रिंटिंग, उस पर फोकस किया गया, सोप साबुन बनाने पे, लॉन्ड्री कपड़े वपड़े धोने वाले, हर चीज़ में, बेकरी, ब्लैक स्मिथ, क्राफ्ट एंड ट्रेड, इन सब पे फोकस किया गया।
तो ये मैं बेसिकली आपको मटेरियल दे रहा हूँ पेपर में AKTU में लिखने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको। तो इन सब चीज़ों पे भी वो फोकस कर रहे थे, वो ये तो प्राइमरली था 3 चीज़ें, लेकिन इन सब चीज़ों पे भी फोकस किया गया। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव था रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वाला जो नील खोरे एक्सपेरिमेंट है ये सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन था इसमें विलेज को नहीं डेवलप करना था, ये याद रखना। इसमें क्या था, जो रिफ्यूजीज हमें थे जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे रख रहे थे या रह रहे थे, उनको प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश करना, उनको वेजेस प्रोवाइड करना, इनकम प्रोवाइड करना और उनको फैसिलिटी देना ताकि उनकी स्टडी और वो सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो वही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और भी कुछ चीज़ें हुई और कॉलोनी जोन के लिए वहाँ पे बनाई गई नील खेड़ी में, उनकी भी मैं कुछ अभी बता दे रहा हूँ, तो वो भी आप लिख के कहीं ना कहीं ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। और जो मैं कॉलोनी के बारे में बता रहा था, कॉलोनी में एक प्रॉपर उन्हीं लोगों के लिए सब कुछ उनको करना था, तो उसके लिए क्या किया, उसमें एक स्कूल भी होना चाहिए, अभी जो वहाँ पे बच्चे हैं उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, तब तो वो आगे जाके इंडिया पे कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉपर स्कूल वहाँ खोले गए, एग्रीकल्चर फॉर्म्स खोली गई, ठीक है, पॉलीटेक्निक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया जो कि मिड एज के थे, जो कि नए बच्चे थे, तो उनको लिए भी कि कुछ प्रॉपर स्किल सीख सके वहाँ पे। तो डेयरी, पोल्ट्री फॉर्म, संडे या मंडे रोज खाओ, गवर्नमेंट फैक्ट्री, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, प्रिंटिंग प्रेस, अखबार वगैरह और हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन, सब कुछ वहाँ पे किया गया उन लोगों को प्रॉपर तरीके से पार्ट ऑफ इंडिया कहलाने के लिए, प्लस उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको प्रॉपर तरीके से इंडिया में बसाने के लिए। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो फिर घूम फिर के कहीं भी आता है वो इसी बात पे आता है कि सिर्फ इनका टारगेट रिफ्यूजीज थे, जो भी रिफ्यूजीज 1948 में 47 से जो आए थे इंडिया पे, कैंप वगैरह में रह रहे थे, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, उनको प्रॉपर तरीके से बसाया जाए और वो ताकि वो भी प्राउड कर सके कि वो इंडिया का पार्ट हैं। तो यही था वीडियो, बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा रूरल डेवलपमेंट में, प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए मेरे साथ और मुझे सपोर्ट करते